हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जागरूक टीवी और मैं हूं आपके साथ दर्शना घटराज। काफी दिनों से चर्चा का विषय रह चुका राजस्थान में छात्र संघ चुनाव को लेकर आखिरकार सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। इस बार छात्र संघ चुनाव दो चरणों में करवाए जाएंगे। चुनाव जोधपुर संभाग को छोड़कर बाकी प्रदेश भर के लिए घोषित कर दिए गए हैं। तय कार्यक्रम के अनुसार 23 अगस्त को मतदाता सूचियों का प्रकाशन किया जाएगा। 24 अगस्त को मतदाता सूचियों पर आपत्तियां ली जाएंगी और 24 अगस्त को ही मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। 25 अगस्त को उम्मीदवारों के लिए नामांकन पत्र और उसी दिन नामांकन पत्रों की आपत्तियां मिलेंगी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 27 अगस्त को वैध नामांकन सूचियों का प्रकाशन उसी दिन उम्मीदवारों का नाम वापस लिया जाकर दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक उम्मीदवारों की अंतिम नामांकन सूची का प्रकाशन किया जाएगा। तय कार्यक्रम के मुताबिक 31 अगस्त को मतदान होगा। कार्यक्रम के अनुसार दूसरी चरण में 10 सितंबर को जोधपुर संभाग में चुनाव करवाए जाएंगे। चुनाव परिणामों की घोषणा जोधपुर और पूरे प्रदेश भर में एक साथ और आगामी 11 सितंबर को मतगणना पूरे प्रदेश में होगी। बता दें कि राजस्थान के विभिन्न विश्वविद्यालयों और कई प्रमुख कॉलेजों में होने वाले छात्र संघ चुनाव बेहद पेचीदा और कांटेदार होते हैं। इन चुनावों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP और अखिल भारतीय छात्र संगठन NSUI के अलावा स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI और छात्र संघर्ष समिति के बीच रोचक मुकाबला होता आया है। बिहार के छात्र संघ चुनाव को प्रदेश में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर खासा रोचक मना हुआ है। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। जयपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट। देखो जागरूक, बनो जागरूक।